हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में NCF 2005 से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो CTET दक्षता और BPSC के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। NCF संचालक समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। तो NCF संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन है स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा। तो सही आंसर है NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए स्थानीय। अगला क्वेश्चन, बालकों के शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है रटन पद्धति से युक्त, रटन पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रटन पद्धति से मुक्त। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार विद्यालयीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ऑप्शन है बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाहरी स्कूली जीवन से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की। ऑप्शन है संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है। ऑप्शन है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षा के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। तो सही आंसर है शिक्षा बिना बोझ के। NCF 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार सीखना एक। ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। NCF 5 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से होती है? NCF 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? ऑप्शन है सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, प्रगति के साथ सभ्यता। तो सही आंसर है सभ्यता और प्रगति। अगला क्वेश्चन, गणित का उद्देश्य NCF 2005 में क्या बताया गया है? ऑप्शन है गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, मानसिक जागरूकता विकास विकसित करना। तो सही आंसर है गणना करने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? NCF 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। तो सही आंसर है 5। NCF 2005 में कुल अध्यायों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 320, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340, आर्टिकल 350। तो सही आंसर है आर्टिकल 350। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? ऑप्शन है 1998 में, 1993 में, 1987 में, 1947 में। तो NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ का विचार 1993 में आया था। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 बल देता है। तो NCF 2005 किस पर देता है? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर,
स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। तो NCF 2005 बल देता है स्वयं करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक के परीक्षा मूल्यांकन, सभी। तो सही आंसर है सभी। NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में इन सभी चीज़ों के सुधार का सुझाव सुधार को सुझाया गया है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? ऑप्शन है NCF 2005, RTE 2009, NPE, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है NCF 2005। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है NCF 2005। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग किया गया है? NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया गया है? यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे किया होना चाहिए, प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और यो मूर्त से अमूर्त की ओर, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का। तो करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन है SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली, NHRD नई दिल्ली। तो सही आंसर है NCERT नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से NCF 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? ऑप्शन है विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, सभी। तो सही आंसर है सभी। NCF 2005 में इन सभी चीज़ों पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? ऑप्शन है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में सुझाव दिया गया, 5 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या बनाने से बचा जाए? NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ऑप्शन है ज्ञान, सूचना, समझ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यही है NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है? ऑप्शन है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों को। तो सही आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दैनिक गतिविधियां। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, ये सभी उसमें लक्ष्य होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है मिश्रित शिक्षा, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, रटना सीखना, पेपरलेस। तो सही आंसर हो जाएगा मिश्रित शिक्षा, NEP 2020 जो है वो मिश्रित शिक्षा पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार अनुभाविक ज्ञान को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है पार्श्व चिंतन को बढ़ावा मिलना चाहिए, वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हुए उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाए, ज्ञान की संरचना में छात्र की सक्रियता को महत्व, ज्ञान के निर्माण को बच्चे की विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप रखा जाए। तो सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हैं वे उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाए, करते हुए यहाँ पे हुए हो जाएगा, वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हुए उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।